देयर, दिस इज़ एमपी कुमार, वेलकम। आज पुष्कर के एक और जगह पर हम आए हुए हैं और इस जगह का नाम है पंचकुंड। ऐसी मान्यता है कि पांच पांडवास जो थे वो यहाँ पर कभी रुके थे और उन्हीं के नाम पर जैसे पांच कुंड यहाँ बनाए हुए हैं, सरोवर है। और चलिए इस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं। थोड़ा पहाड़ों के ऊपर जाकर भी एक जो गौमुख, जो इधर रास्ता है गौमुख का, और जिसके दर्शन भी आपको जरूर करवाएंगे। पांच कुंड के अंदर जो पहला जो कुंड है वो ये रहा। दिखने में ये बहुत ही गंदा सा दिखता है, लेकिन अगर एक बार अपने इसके थोड़ा ऊपर जो काई है इसको हटाते हैं तो देखते हैं कि अंदर पानी बहुत ही साफ है, गहराई में है। और दिखने में भले ही गंदा हो लेकिन वास्तव में ये पानी बहुत ही अच्छा है, साफ है। अभी हम पंचकुंड की तरफ, जो तीन कुंड हम जो है वो पहले देख चुके हैं, और इसके बाद अब जो बाकी बचे कुंड हैं उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है जैसे पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग होती है, और ये रास्ता जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और सामने शायद वो रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि बाकी जगह है, और ऊपर पहाड़ है, थोड़ा जंगली इलाका है, और यहाँ पर बंदर भी काफ़ी संख्या में है, और बंदर के साथ साथ गाय, सुअर, तो ये ऐसे जानवर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थोड़ा पथरीला रास्ता है और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा फिट करेंगे। और ये रास्ता ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और अभी हम जो पंचकुंड के ऊपर जो कुंड बने हुए हैं, जहाँ पर प्राचीन अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं, आगे अब ले चलते हैं। और यहाँ पर ये एक जो गौमुख है, और इस कुंड की खासियत ये है कि इस गौमुख से हमेशा पहाड़ों से जैसे पानी जो है वो साल के 365 दिन लगातार चलता ही रहता है, ये इसकी यहाँ की खास बात है। और ये ऊपर मंदिर परिसर बना हुआ है जो आगे की तरफ हम चलेंगे। ऊपर की तरफ ये मंदिर उपस्थित है, लास्ट यही है, और इंटरेस्टिंग जगह भी है।